छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने अनाथ बच्चों के बीच स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपना स्थापना दिवस अनाथ बच्चों के बीच मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने त्रिलोकी नगर स्थित शिशु पालन केंद्र पहुंचकर अनाथ बच्चों को कपड़े, मिठाइयां, नमकीन बांटे। संस्थान के अध्यक्ष राजू चरणगर ने बताया कि संगठन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि यह स्थापना दिवस अनाथ बच्चों को खुशी देकर मनाया जाएगा, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्थापना दिवस अनाथ बच्चों के बीच मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गठन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज छिंदवाड़ा स्थित पतवालेश्वर वार्ड में जो अनाथालय है वहाँ पे 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों के लिए वस्त्र, मिष्ठान और नमकीन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियम का पालन करते हुए उनको वितरित किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।